नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय गर्ग, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिर्फ आदमियों में पाया जाता है और ये हमारे यहाँ एक्सेसिव सेक्सुअल ग्लैंड है। इसकी लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली के बिल्कुल द्वार पे होती है। ये उसको चारों तरफ से बीच के रखता है। शेप इसकी एक वॉलनट जैसे है, वॉलनट साइज ग्लैंड होता है। और इसकी जो फेज़ ऑफ ग्रोथ है वो ज़्यादातर 40 साल के बाद में बढ़ता है। ये बचपन से होता है, लेकिन जब हमारा 40 इयर्स क्रॉस होते हैं तो इसके साइज़ में बढ़ोतरी आती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो इसके सिम्टम्स आते हैं या जो इसकी तकलीफ होती है वो हमें 40, 45 या 50 के ऊपर महसूस होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। तो जो इन्फेक्शन वाली समस्या है वो ज़्यादातर यंग एज में सेक्शुअली एक्टिव मेल्स में देखने को मिलती है, जिस बीमारी को हम प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। लेकिन और जो बीमारियां हैं जैसे बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या कैंसर जैसी शिकायत, ज़्यादातर ये हमारे 40-45 क्रॉस करने के बाद होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर मान लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रहा है तो ये क्या तकलीफ़ देगा हमें। ये जैसे मैंने बताया पेशाब की थैली की द्वार पे होता है, तो ज़्यादातर जो सिम्टम्स आते हैं जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से आएंगे वो पेशाब के रास्ते को भींचने के कारण आते हैं, यानी कि यूरिन करने में हमें दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत हो सकती है? पेशाब करने में रुकावट होना, रुक रुक के पेशाब आना, बार बार जाना पेशाब, एक सिंगल फ्लो में पेशाब नहीं हो पाना, शुरुआत करने में कुछ समय लगना, या कई बार ऐसा भी होता है कि पेशाब की हाजत हुई और हमें लगता है कि तुरंत यूरिन करने जाओ यानी कि तुरंत बाथरूम जाओ। कई बार ये दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि बाथरूम पहुंचने से पहले भी कुछ बूंदें निकल सकती हैं। तो ये सब बातें तो मैंने बताई जो ज़्यादातर प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से होती हैं। लेकिन कई बार अगर इसमें इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के साथ में और जो इन्फेक्शन की समस्या होती हैं, जैसे कि दर्द होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में ब्लड आना, या कई बार बुखार भी आ जाता है। ये ज़्यादातर होता है जब इन्फेक्टेड प्रोस्टेट है। एक चीज़ और होती है, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी चीज़ है, जैसे कैंसर कोई भी होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज ट्यूमर या कैंसर। अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो उस समय प्रोस्टेट की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है, ये अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ता है। शुरुआत में सिम्टम्स तो वही आएंगे जो एक बिनाइन एनलार्जमेंट के हैं, यानी कि पेशाब के रास्ते में रुकावट होना या बार बार जाना। लेकिन अगर ये अपने प्रोस्टेट ग्लैंड को छोड़ के बाहर की तरफ फैलने लगे तो ये शरीर के विभिन्न अंगों में जा सकता है, जैसे कि ज़्यादातर कई बार ये हड्डियों में जाता है, तो उस समय हमारे को बैकएक हो सकता है, बोनी पेन्स हो सकते हैं। तो ये सब होते हैं जब प्रोस्टेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करें कैसे पता पड़े कि भाई प्रोस्टेट की समस्या चालू हुई है। मैंने आपको बताया जैसे कि ये 40-45 साल के बाद में होती है, तो अगर शुरुआती तौर पे हमें कुछ पेशाब करने में दिक्कत चालू हो रही है, जैसे हम समय ज़्यादा ले रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, रात में कई बार उठ रहे हैं, या अर्जेंसी तुरंत पेशाब की तरफ भागना पड़ रहा है, तो हमें जाके डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी समस्या सामने रखनी चाहिए। शुरुआती तौर पर जब हम डॉक्टर से मिलते हैं या हमारे पास में कोई आता है तो हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे पहला स्टेप। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम करते हैं DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। मल द्वार के रास्ते से हम प्रोस्टेट को देख पाते हैं, अपनी उंगली से उसको फील कर पाते हैं। हमें काफ़ी और पता पड़ जाता है कि ये बिनाइन एनलार्जमेंट है या इसके अंदर कुछ गांठ बन रही है या कैंसर हो सकता है। ये हमारा इनिशियल असेसमेंट होता है। फर्दर टेस्ट करने के लिए हम यूरिन का टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और एक पेशाब की धार का टेस्ट, क्योंकि पेशाब की धार पे ही हमारे पास में पेशेंट आ रहा है। तो पेशाब की धार की टेस्ट के अनुसार हमें पता पड़ता है कि उसकी समस्या कितनी है, क्या दवाइयों से ही काम चल जाएगा या हमें और किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको बोलते हैं PSA। ये ब्लड से होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये प्रोस्टेट की कोई भी बीमारी में बढ़ सकता है। अगर सिंपल एनलार्जमेंट है तो उसमें भी बढ़ेगा, प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में भी बढ़ेगा, लेकिन उसकी रेंज कम होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारा सस्पिशन जाता है कि कहीं इसके अंदर कैंसर तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ सस्पिशन है जो हमने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे भी देखा, तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेट क्या हो सकता है? सबसे पहले इसकी बायोप्सी करी जाती है। जहाँ कहीं भी डाउट है कि प्रोस्टेट के अंदर कुछ खराबी डेवलप हो रही है यानी कि प्रोस्टेट कैंसर की संभावना है, तो हम इसकी बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी भी दो तरह से हो सकती है, या तो डिजिटली गाइड करके हम बायोप्सी करते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास में टेक्निक आ गई है अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, इसको हम ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड भी प्रोब जो है पेशाब लैट्रिन के रास्ते से ही डाला जाता है और उसमें से नीडल बायोप्सी ली जाती है। मल्टीपल कोर बायोप्सी होती है जो कि जांच के लिए भेजी जाती है पैथोलॉजिस्ट के पास में, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमें पता पड़ता है कि प्रोस्टेट के अंदर जो बड़ी हुई गांठ हम सस्पेक्ट कर रहे थे वो कहीं कैंसर की तो नहीं है। कुछ स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं जैसे कि MRI ऑफ प्रोस्टेट। MRI प्रोस्टेट के लिए एक स्पेसिफिक MRI है, उससे ये भी पता पड़ता है कि प्रोस्टेट कितना बड़ा हुआ है, कहीं आसपास नीचे के हिस्से में फैल तो नहीं रहा। और इसके अलावा एक और PET CT स्कैन,
प्रोस्टेट के लिए PSA में पेट सीटी स्कैन, ये स्पेसिफिक पेट सीटी स्कैन है जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए करा जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि शरीर के किसी और अंग में ये प्रोस्टेट कैंसर अगर है तो फैला तो नहीं है। तो ये अभी हमने बात करी सिम्टम्स ऑफ द प्रोस्टेट की या प्रोस्टेट की जाँच कैसे करी जाए। अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर किसी को, जैसे हमने कहा कि अगर डिजिटल चेक करने पे या सिम्टम्स पे या यूरोफ्लोमेट्री पे ऐसा लग रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से समस्या ज़्यादा है तो उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता ज़रूर है। इनिशियल ट्रीटमेंट हम दवाइयों से चालू करते हैं। दवाइयाँ हमारे पास बहुत अच्छी हैं जो इस तकलीफ़ को, यानी कि जो पेशाब की जो तकलीफ़ है उसको दूर कर सकती हैं, पेशाब के फ्लो को अच्छा कर सकती हैं, जो बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो शुरुआती तौर पर हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर किसी की समस्या ज़्यादा है, दवाइयों से काम ना चले या किसी का पेशाब बंद लग जाए और उसको पेशाब की नली लगानी पड़े, ऐसी कंडीशन में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। और आजकल जो ऑपरेशन की विधि है वो दूरबीन से होता है, लेज़र की मदद से होता है। पहले ज़माने में या कुछ 15-20 साल पुरानी बात है जब हम चीरा लगा के ऑपरेशन करा करते थे, लेकिन जब से ये दूरबीन आई है या लेज़र विधि हमारे पास में है, हमें कोई भी चीरा नहीं देना पड़ता। नॉर्मल जो पेशाब का रूट होता है यूरिनरी पैसेज से, यूरेथ्रा से जाते हैं अंदर, और जो ग्रंथि पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर रही है उसको अंदर से ही हम ऑपरेट करते हैं। मुख्य रूप से दो विधि हैं। एक विधि में तो हम TURP बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकॉटरी से अंदर से प्रोस्टेट के चिप्स काटे जाते हैं। लेकिन दूसरी विधि जो लेज़र विधि है, इसमें लेज़र एनर्जी से अंदर से प्रोस्टेट की कटिंग करी जाती है और जो कट करने के बाद प्रोस्टेट है उसको बाहर निकाल लिया जाता है और जाँच के लिए भेजते हैं। तो ये तो हुई अगर बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है, यानी कि इसमें नॉन कैंसरस ग्रोथ है और उसके लिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर हमें एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता पड़ता है कि कहीं इसमें कैंसर की शिकायत तो नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर वो कैंसर प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर लिमिटेड है, तब तो इसको हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, यानी कि ऑपरेशन से पूरा प्रोस्टेट, आसपास की कुछ और ग्रंथियाँ निकाली जाती हैं। लेकिन अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड को छोड़ चुका है या आसपास फैल चुका है, तो और भी विधि हैं या और भी ट्रीटमेंट है हमारे पास में। प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने के लिए कई सारी मॉडलिटी हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी। ये प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जिसमें अगर गलती से या किसी दुर्भाग्यवश कैंसर आ जाए, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास में विभिन्न सुविधाएँ या विभिन्न मॉडलिटीज़ हैं। और टाइम से, लेकिन अगर ये ज़रूरी है कि हम उसको टाइम पर, प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई भी ग्रोथ है, चाहे बिनाइन ग्रोथ है या कैंसर की ग्रोथ है, उसको अगर हम पकड़ लें तो हम ट्रीटमेंट अच्छा कर सकते हैं। इसलिए बस मेरी यही गुजारिश है, या जो भी कोई, जिनको भी तकलीफ़ है, पेशाब संबंधित कोई भी तकलीफ़ है, तो समय पर अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और हॉस्पिटल में जाके दिखाएं, यूरोलॉजिस्ट से मिलें। इन्वेस्टिगेशन होंगे कुछ, उससे पता पड़ेगा कि भाई आपको शिकायत क्या है। अगर नॉर्मल शिकायत, यानी कि बिनाइन शिकायत है, तो दवाइयों से बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है। कुछ दिक्कत बढ़ जाने पर लेज़र विधि से इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। और दुर्भाग्यवश बाई चांस अगर प्रोस्टेट कैंसर भी डायग्नोस होता है, तो उसका टाइम से अगर इलाज कराएंगे तो हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। धन्यवाद।